ममता का सरकार सारे जो प्रमाण है उसको लुपाट माने ध्वंस कर देने का साजिश रचा है। जहाँ पर क्राइम सीन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, बोल रहे कि डॉक्टर्स रेस्ट रूम बना रहे। जहाँ पर क्राइम सीन है वहाँ पर दीवार में ब्लड का छिटा होगा रहेगा, सीमेंट रह सकता है, बाल रह सकता है, नाखून रह सकता है, जिससे प्रमाण मिलेगा डीएनए टेस्टिंग से, वो कंस्ट्रक्शन करके तोड़फोड़ करके सारा ममता बनर्जी खत्म कर दे। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये प्रियंका गांधी वाड्रा बोल सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल महिला के लिए उनका कोई शब्द नहीं है। ये जो कांड किया है ना, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं इसमें टीएमसी का कोई एमपी उनका भतीजा इन्वॉल्व है, इसीलिए ममता बनर्जी का बहुत दुख हो रहा है। बहुत चेष्टा कर रहे इसको डिविएट करने के लिए ताकि असली जो खूनी है वो सामने ना आए, पकड़ ना पाए। देखिए, हम लोग पहला दिन से बोले थे कि ममता बनर्जी का पुलिस के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, हम लोग को सीबीआई चाहिए। और यस्टरडे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है तदंत का, सीबीआई तदंत का। लेकिन जिस तरह से ममता का सरकार सारे जो प्रमाण है उसको लुपाट माने ध्वंस कर देने का साजिश रचा है। कल भी शाम से जहाँ पर क्राइम सीन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, बोले कि डॉक्टर्स रेस्ट रूम बना रहे, तो आप बोलिए जहाँ पर क्राइम सीन है वहाँ पर दीवार में ब्लड का छिटा होगा रहेगा, सीमेंट रह सकता है, बाल रह सकता है, नाखून रह सकता है, जिससे प्रमाण मिलेगा डीएनए टेस्टिंग से, वो कंस्ट्रक्शन करके तोड़फोड़ करके सारा ममता बनर्जी खत्म कर दे। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा भाया को जस्टिस मिले, लेकिन मालूम नहीं मिलेगा कि नहीं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके कहा कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है, लेकिन नई सरकार को राहुल गांधी प्रियंका गांधी जब हाथरस होता है, उन्नाव होता है, तब चले जाते हैं, जब मणिपुर होता है तब चले जाते हैं, और आज पश्चिम बंगाल में आए नहीं। आज एक ट्वीट का मार्फत तो इतना तो बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आप इस्तीफा दीजिए, नियम तो सबके लिए एक होना चाहिए। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये प्रियंका गांधी वाड्रा बोल सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल महिला के लिए उनका कोई शब्द नहीं है। यही है इन लोग का हिपोक्रेसी और इन लोग का डबल स्टैंडर्डनेस, शेम शेम धिक्कार है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए, इसमें नई सरकार को करेंगे तो नहीं, क्योंकि इंडी जोट का तो पार्टनर है आज ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी को बोलने का तो साहस उनको है नहीं, तो उनका यही विचारिता है, उनका यही डबल स्टैंडर्ड है। ममता बनर्जी का इस्तीफा, हम लोग का एक डिमांड है ममता बनर्जी का इस्तीफा, हम लोग को विचार चाहिए आगे में, अभय जैसा, निर्भय जैसा कोई भी ऐसा पता नहीं होना चाहिए पश्चिम बंगाल में। जाना चाहिए क्योंकि आज नया संहिता आया है, नया आईन आया है, नया आईन लागू किया है हमारे मोदी सरकार, जो भी रेप या गैंग रेप करेगा उसका फांसी होगा। लेकिन ये जो कांड किया है ना, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं इसमें टीएमसी का कोई एमपी उनका भतीजा इन्वॉल्व है, इसीलिए ममता बनर्जी का बहुत दुख हो रहा है। बहुत चेष्टा कर रहे इसको डिविएट करने के लिए ताकि असली जो खूनी है वो सामने ना आए, पकड़ ना पाए। आज एक प्रिंसिपल जिसको दो बार तीन बार ट्रांसफर किया गया लेकिन वो फिर आ जाता है, उसका अगेंस्ट में हजारों दुर्नीति का आरोप है, उनको आई वॉश, सिर्फ पब्लिक को आई वॉश करने के लिए मुख्यमंत्री उनको हटा दिए यहाँ से, क्योंकि डॉक्टर लोग, आरजी करके डॉक्टर लोग और पब्लिक का जो अप्रोर हुआ, सिर्फ आई वॉश करके उनका हटा के, और एक जो मेडिकल कॉलेज है सरकार के, नेशनल मेडिकल कॉलेज, उनमें उनको प्राइस पोजिशनिंग दे दिए। तो क्यों ममता बनर्जी उनको क्यों प्रोटेक्शन दे रहे, क्यों उनको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन देने में वो बोले कि हम रविवार तक वेट करेंगे, क्यों? अगर उनका परिवार का कोई होता तो वो वेट करते क्या?
अगर उनके परिवार का कोई होता वो बोलते क्या, अर्धनग्न जो बॉडी मिला है वो बोलते क्या कि आत्महत्या है। उनका परिवार का कोई होता तो वो बोलता क्या कि शाम के बाद पोस्टमार्टम हो। उनका परिवार का कोई होता तो बोलता ना कि बॉडी को प्रिजर्व किया जाए, सेकेंड पोस्टमार्टम हो। उनका परिवार का तो कोई है नहीं, तो इसलिए राजनीति चल रहे, टीएमसी के एमपी के भतीजा उनको प्रोटेक्ट करने का साजिश चल रहा है। लेकिन हम लोग भी बांग्ला निजर में के, चाहे हम लोग भी बंगाल के लड़की है, जब तक विचार नहीं होता तब तक हम लोग रास्ते में है, भाजपा रास्ते में है।